गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने आगे के वीडियो में नागार्जुन की कविता दंतरित मुस्कान पढ़ा, अब हम फसल काव्य पढ़ेंगे। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उससे पैदा करने की किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन की अपनी कविताओं में। फसल में कविता भी रेखांकित करती हैं कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता के प्रारंभिक बनती हैं। कहना न होगा कि ये कविता में उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति से निकट ले जाती हैं। अब हम काव्य पठन देखेंगे। एक नहीं दो नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक नहीं दो नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल क्या है। हमने से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि इस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है, वह फसल कैसी है, कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई है होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा होता है। और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म रूपांतर है, सूरज के किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरने का। जिस फसल को हमने किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए हुए हैं। वह सूरज की किरणों का रूपांतर है, अपने जीव विज्ञान के पाठों में होगा कि किस तरह सूरज की किरणें की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती हैं। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकने का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल को तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, फिर पानी धूप हवा उसके तैयार होने का अपना योगदान देती हैं, लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को सचमुच रूप से तैयार कर पाती हैं। ये काव्य यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।